आज आयुष हॉस्पिटल से एवरीबॉडी इज सेटिस्फाइड। बिल्कुल डिलैपिडेटेड बिल्डिंग थी, उसको टर्न अराउंड करके एक अच्छा एयर कंडीशन आयुष हॉस्पिटल बना दिया। थोड़े दिन की बात है, कोई चीज नहीं चाहिए तो थोड़ा सेक्रीफाइस तो सबको करनी होती है, और एंडमन की धरती में तो सेक्रीफाइस भरी हुई है। एंडमन के लोग जानते हैं कि किस तरीके से सेक्रीफाइस, दे हैव टू गिव अप अ लिटिल टू गिव समथिंग समथिंग बिगर। अभी एमसीए की टीम आई थी, उन्होंने इंस्पेक्शन किया और मेरे से तो नहीं मिले, क्योंकि वो अपने ही ढंग से आते हैं, किसी ऑफिशियल उसमें नहीं आते हैं, और जो कुछ सच देखते हैं वो लिख देते हैं। पहली बार जब आए थे पहले साल के लिए तो कुछ कमी थी, तो चीफ सेक्रेटरी ने अश्योरेंस दिया, मेरे ख्याल से वो कमी पूरी हो गई। इस साल जब वो आए थे तो एक भी ऑब्जर्वेशन नहीं थी। मुझे बताया जा रहा है कि पूरी कंट्री में एक कॉलेज है टेम्पररी लोकेशन में जहाँ ऑब्जर्वेशन नहीं करते, और वो कह के गए कि सर आप लोग परमानेंट लोकेशन भी ढूंढ रहे हैं, ये तो आपकी लोकेशन जहाँ आपने अभी बनाया हुआ है विल रेट अमंग द बेटर मेडिकल कॉलेजेस इन आवर कंट्री। It made us, it made me certainly very proud. It should make each one of you very proud that we have the people. And मैं फिर दोहरा रहा हूँ, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, this has been a team effort. No one person can do this. If I have to give credit to one person, then I'll give it to my Prime Minister, because he took out the scheme and he took out, he gave us that guidance कि 75% पैसा हम देंगे, आप लोग थोड़ा कोशिश करिए और बना लीजिए। Rest, everybody has given. Those who have constructively pushed it, those who have criticized it, that's fine. We are a team. Team में हर type के लोग होते हैं। Team में हर एक की जिम्मेवारी होती है, हर एक की अपनी समझ होती है। So everybody is entitled to his opinion. फौज में एक कहावत है, professional dissent. फौज में नहीं है, मैं कहता हूँ, फौज को कहा है मैंने, professional dissent should be a welcome step. For its absence will only encourage mediocrity and psychopathy. सब हाँ में हाँ मिलाते जाएंगे तो सही चीज कैसे आएगी? तो मैं तो वेलकम करता हूं, लेकिन that dissent should be based on your professional judgment. And then you argue logically with the other side and let the better logic prevail. That is the way that countries work. That is the way that we should work. Yes, use your emotions also. I have no issue with that. But एक और कहावत है मुझे याद आ रही है, उसको मैं काफी हद तक, शुरू में जब यंग ऑफिसर था तो there was a touch के बस मैंने बोल दिया, और आज भी अगर ऑपरेशनल उसमें तो मैं बोल देता हूँ, तो आज भी रिटायरमेंट के बाद भी मेरे से आर्ग्यू नहीं कर पाते। अभी जो हमारे सबसे टॉप क्लास का कोर्स है उनको सिखाने के लिए मेरे को मऊ जाना पड़ा, ताकि मैं उनको स्ट्रैटेजी और ऑपरेशनल आर्ट, कैसे ऑपरेशन लड़े जाएंगे वो सिखा सकूं। हर साल जाता हूँ, बहुत लोग हैं लेकिन वो जब तक सेटिस्फाई नहीं होते जब तक मैं जाके वहाँ पर उनको नहीं सिखा सकूं। लेकिन मैंने भी एक लेसन लर्न किया, वो ये है, मैंने अपने बारे में बता दूंगी, नेवर आइडेंटिफाई विद योर पोजिशन सो स्ट्रांगली। अपनी आपने जो पोजीशन ली है अच्छी बात है, उसके साथ खड़े रहिए, लेकिन इतना स्ट्रांगली भी बात खड़े करिए कि अगर पोजीशन गिर जाए तो आप खुद गिर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लेसन मैंने बहुत पहले सीख लिया, बिकॉज नोबडी कैन बी द एब्सोल्यूट राइट, देयर इज ऑलवेज अ बेटर ओपिनियन, देयर इज ऑलवेज अ बेटर वे, देयर इज ऑलवेज समथिंग, एंड हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी है। आई थिंक वी शुड बी एबल टू डू ईच वन आवर ओन। Let me also take this opportunity to compliment the students of first year and the students who are now joining in the second year, because you are the pioneers of this medical college. कुछ भी बात कर लें, कितनी अच्छी बिल्डिंग बना लें, लेकिन अगर स्टूडेंट उसमें से वीक निकले, MP साहब ने आपको बताया है that we must provide for everything for you so that our students and doctors who come out from the medical college in Andaman Nicobar are considered top class doctors in this country. लोगों को आना चाहिए यहाँ पर, मतलब देखिए इसकी रेपुटेशन बढ़ेगी, दो तीन साल में आपको मैं गारंटी करता हूँ कि लोग यहाँ के लिए बहुत टॉप वाले लोग बिट करेंगे। जब ये बन जाएगा, फैकल्टी बन जाएगी, मतलब अच्छी बिल्डिंग बन जाएगी और रेपुटेशन बन जाएगी। सो आई कॉम्प्लीमेंट द स्टूडेंट्स फॉर वर्किंग हार्ड, एंड यू हैव टू वर्क हार्डर, बिकमिंग अ डॉक्टर इज नॉट ईजी,
आपको लगता है कि अब वो सब डॉक्टर साहब लोगों को आप लोग देखते हैं कि वो ऐसे पहुंच गए, उनसे पूछिए। डॉक्टर बनने के लिए कंटिन्यूसली लाइफ भर पढ़ना पड़ता है, ऑल द टाइम। डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड सोल्जर्स, दे हैव टू वर्क, रीड ऑल देयर लाइफ, बिकॉज एवरीथिंग इज डायनेमिक एंड चेंजिंग ऑल द टाइम। थोड़ी सी हम लोगों ने इस बार कोशिश की, 3 महीने की एक ट्रेनिंग चलाई प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन के नीचे, और आज उसका आप रिजल्ट देखिए। इस बार 225 लड़के हमारे उसमें थ्रू हुए, 4 निकोबारी भी थ्रू हुए हैं। सो नेक्स्ट ईयर आई थिंक चीफ सेक्रेटरी ने बहुत सही कॉशन दिया है कि अभी हमने अपना खुद का एग्जाम दिया था। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा एग्जाम थोड़ा आसान था और वो मुश्किल होगा, बट दैट इज अ ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन एंड यू विल हैव टू डू वेल। सो माई रिक्वेस्ट टू द चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन इज, let's start preparing our students well in advance so that people who are interested in going for this, we prepare them and they are able to come up to the standard. I am sure Andaman Nicobar administration with the help and jo MP sahab ka suggestion tha ki hamare kai doctors hain jo abhi retire ho gaye hain, we can use their services, but mujhe mera manna hai ki isme doctory ke alawa normal subject aate hain 12th wale।